बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वन, आई एम समरा रशीद, योर साइंस टीचर हियर इन बीएफसी नशर अफरोज़। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर साइंस क्लास। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 ऑन बुक पेज नंबर 48। बेटा, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑन बुक पेज नंबर 58। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू स्नैक्स ले एग्स? यस, स्नैक्स ले एग्स। बेटा, क्या सांप जो है वो एग्स देते हैं? यस। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यस। ओके, बिकॉज स्नैक्स ले एग्स। ओके, नेक्स्ट इज अ बेबी डॉग कॉल्ड अ किटन? नो, बेबी डॉग इज नॉट कॉल्ड अ किटन। बेबी डॉग जो है वो किटन नहीं कहलाता। किटन हम किसे कहते हैं? द बेबी ऑफ कैट। कैट के बेबी को हम क्या कहते हैं? किटन। ओके, डज अ किटन हैच फ्रॉम एन एग? नो। डू बर्ड्स हैव टू लेग्स? यस, बर्ड्स हैव टू लेग्स। ओके, नेक्स्ट इज, Do fish breathe through their fins? No, because fish breathe through their gills. बेटा, फिश जो है वो किसके ज़रिए सांस लेती है? अपने गिल्स के ज़रिए। फिन्स के ज़रिए फिश क्या करती है? अपनी बॉडी को बैलेंस में रखती है। बेटा, हेयर यू कैन सी अ फिश। फिश गिल्स के ज़रिए फिश जो हैं वो क्या करती हैं? सांस लेती हैं। बट फिन्स के ज़रिए फिश जो हैं वो अपनी बॉडी को बैलेंस में रखती हैं। सो फिश ब्रीथ थ्रू देयर फिन्स। ओके, आर देयर फिश इन द सी? यस, देयर इज मैनी फिश इन द सी। हियर यू कैन राइट? यस। स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज नंबर 2। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज, Choose the correct food for each of the following: boy, dog, bird, horse. बेटा, यहाँ पे कुछ foods mention की गई हैं, हमें उनको correct place से mention करना है। okay? So dear students, horse eat grass. Horse जो है वो क्या खाते हैं? Grass. Bird eat worms. Bird जो है वो क्या खाती हैं? Worms. Dog eat bones. Boy eat meat as well as vegetable. Okay? Dear students, we have completed exercise number 3. Now today's your homework is solve exercise number 2 and 3 on book page number 48 and 49. Okay, students, we will be continue our next class tomorrow. Okay, thank you. Allah Hafiz.